सो गाइस आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं व्यू के वाई 20T डिवाइस के अंदर आप इन फिंगर डिस्प्ले लॉक कैसे लगा सकते हो। ये जो है आपको बाइंडफोल्ड सेटिंग्स तो इसकी नहीं मिलती, लेकिन आप चाहें तो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके अपने फोन के अंदर इन फिंगर डिस्प्ले लॉक लगा सकते हैं। तो चलो गाइस हम डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन है जिसे डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर इन फिंगर डिस्प्ले लॉक लगा पाएंगे। हालांकि इसका डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, या फिर आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से भी इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो आप डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सी एप्लीकेशन है एंड आप उसे कैसे यूज करेंगे अपने फोन के अंदर। सो गाइस जैसा कि यहां पर हमारा डिवाइस है, अगर हम बात करें तो इस एप्लीकेशन की, तो जस्ट हमें प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहां पर ये वाली एप्लीकेशन है जिसका नाम है वीवो थीम्स। हालांकि काफी सारी ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई है न्यूज चैनल्स पे ऑलरेडी इसके रिकॉर्डिंग, और जो है काफी लोग एक कमेंट करते हैं कि सर इस पर्टिकुलर फोन के ऊपर इसके बारे में चाहिए। हालांकि सब में ऑप्शंस तो सेम ही होते हैं मोस्ट, लेकिन गाइस उनके कमेंट्स होते हैं काफी ज्यादा जिसमें होते हैं कमेंट्स इस फोन के ऊपर, उसमें डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ती है। हालांकि सिस्टम सेम होते हैं, लेकिन अगर कोई और ऐसी एप्लीकेशन मिली जिसकी मदद से इन फिंगर लॉक अपने फोन में कर सकते हैं तो उस पर भी आपको वीडियो जल्दी देखने को मिल जाएगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी हम डाउनलोडिंग की बात करें तो 1 मिलियन प्लस डाउनलोडिंग है। रेटिंग खैर थोड़ी सी अच्छी नहीं है, 3.7 की है, लेकिन ये प्रॉपर वर्क करता है फोन में, तो डोंट वरी आपको कोई दिक्कत इस एप्लीकेशन से नहीं मिलने वाली है। सिंपली हम इसको ओपन करेंगे। हमने ओपन करा गाइस, कुछ एड्स वगैरह आती है इसको ओपन करने पे, तो एड्स वगैरह को आप मैनेज कर लेना। हालांकि कुछ छोटी सी परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी जिसे आप दे देना, इसके बाद आपको इस वाले पेज पे एंटर कर दिया जाएगा जहां पर आप यहां से कुछ थीम्स देख सकते हो जिसे आप फ्री के डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो अपने फोन के अंदर। और यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करोगे, कुछ कैटेगरीज बनी मिलेंगी थीम्स की, जिसमें आपको स्टिकर थीम्स भी मिल सकती है, वीवो ओल्ड थीम्स मिल सकती है, और फंटा जो है 11.1 की भी थीम्स है। आप चाहें तो इन सभी थीम्स को यहां से डाउनलोड करके वो भी फ्री के यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन फिंगर लॉक के जस्ट फंटा जो ओएस वाले पे क्लिक करना है, जिसमें आपको फंटा जो कैटेगरीज से जो थीम्स होंगी वो आपको दिखाई देंगी। सिंपली इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है तो आपको एक थीम्स मिलेगी ओरिजिन ओएस। आप चाहे तो इसे ओरिजिन ओएस को आप सर्च बार में भी टाइप कर सकते हो, उसमें भी ये थीम्स जो है इजिली आपको अवेलेबल मिल जाएगी। या फिर आपको काउंटिंग से अगर जाननी है थीम्स तो 7th नंबर पे आपको ओरिजिन ओएस मिल जाएगी इजिली, आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसको हम क्लिक करेंगे, एड्स आ रही है दोबारा से, तो एड्स को हमें यहां से कट करना है। एड्स को हमने कट करा, हमारे पास चेंज थीम ओके का सॉरी डाउनलोड और चेंज थीम दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम किसी थीम्स को अगर यहां से डाउनलोड करेंगे तभी हम उसको चेंज कर पाएंगे। हालांकि हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, अगर मैं चाहूं तो यहां से डायरेक्टली चेंज कर सकता हूं, लेकिन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सिंपली डाउनलोड आपको प्रेस करना है। ये जो थीम्स है यहां से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि डिपेंड करता है आपके इंटरनेट पर कितनी स्पीड है, उसी हिसाब से ये जो थीम्स है आपके फोन के अंदर प्रॉपरली डाउनलोड हो जाएगी। ये जो थीम्स जब तक डाउनलोड हो जा रही है तब तक मैं आपको बताता हूं, जब डाउनलोड आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपको चेंज थीम देन ओके का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ओके का बटन प्रेस करते हैं तो आप इसी थीम एप्लीकेशन से कोई और थीम्स को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चेंज थीम पे करेंगे तो रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे आई थीम एप्लीकेशन के अंदर। लाइक मैं यहां से इसको हाइड करता हूं, चेंज थीम पे क्लिक करूंगा। अभी हम ये थीम्स एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं हम इसमें, और इस पेज को आप प्रॉपर लोड होने देना अगर आप फर्स्ट बार इसको ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद आपको लोकल वाला ऑप्शन चूज करना है। हम थीम्स की बात कर रहे हैं तो थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम थीम्स पे क्लिक करेंगे, हालांकि कुछ फोन्स में आपको डाउनलोड जो करते हैं थीम्स वो ऊपर ही शो हो जाती है, कुछ फोनों में आपको नीचे शो होती है, तो आप यहां नीचे देख लेना। हालांकि मैं देख लेता हूं ये थीम्स अभी तक डाउनलोड हुई या फिर नहीं, तो हम इसमें आएंगे दोबारा से थीम एप्लीकेशन के अंदर। तो ये जब तक डाउनलोड हो जा रही है, मे बी हमने हाइड कर दिया इसको तो डाउनलोड हो चुकी होगी शायद, तो ट्राई कर लेते हैं दोबारा। अगर इस तरह से आप हाइड कर देंगे तो आपको दिखेगी नहीं डाउनलोड हो रही है फिर नहीं, अभी फिलहाल डाउनलोड नहीं हुई है, तो हम इसको दोबारा से यहां से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरे फोन के अंदर ऑलरेडी डाउनलोडर था, हमने उसको दोबारा डाउनलोड करने के लिए हमने किया था, इसलिए वो ऐसा दिखा रहा था। अब देख सकते हो मैंने हाइड करा था डाउनलोडिंग की, तो अभी यहां पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। अब चेंज थीम पे हमें क्लिक करना है, आप इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर यहां से ही चेंज थीम पे क्लिक करेंगे तो यही थीम एप्लीकेशन के अंदर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जहां पर हमें लोकल प्रेस करना है, इसके बाद लोकल थीम्स पे आना है। जहां पर गाइस अभी देखो यहां पर हमारे पास थीम्स ये शो नहीं कर रही है, ट्राई कर लेते हैं क्या। अब आप देखेंगे गाइस यहां पर हमारे पास जो एप्लीकेशन है थीम वाली, उसने जो डाउनलोड हमने उस एप्लीकेशन से किया था वो थीम्स यहां पर आ चुकी है। सिंपली हम इसको प्रेस करेंगे,
इसके बाद हम इस थीम को जो है अप्लाई कर देंगे अपने फोन के अंदर। तो यहाँ पर देखो अभी कोई भी ट्रायल वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम सिंपली इसे अप्लाई करेंगे और ये जो है थीम्स हमारे फोन के अंदर सक्सेसफुली अप्लाइड हो जाएगी। और गाइस यहीं से हम इन फिंगर लॉक लगा सकते हैं और इसी थीम्स के अंदर आपको इनबिल्ट इन फिंगर लॉक मिलता है, तो मैं आपको इसे भी दिखा देता हूँ। अभी गाइस अगर हम अपने फोन को लॉक करेंगे तो हमारे पास सेंसर आपको इन फिंगर को दिख जाएगा, लेकिन उसको यूज कैसे करना है उसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी देखो प्रॉपरली लोड हो चुका है। अगर मैं पावर को बंद करूं फिर ऑन करूं तो यहाँ पर आपको एक सेंसर दिख रहा होगा। ये सेंसर कंप्लीटली वर्क करता है, इसके लिए आपके फोन के अंदर कोई भी लॉक नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको क्लिक करने की बात करूं तो जो फंटच ओएस 6.5.8 तक वर्जन होते हैं उसमें इस तरह से आप सिंगल क्लिक करोगे इस पे तो ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एंड्रॉइड 9.10 है तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तब ये ओपन होगा। हालांकि मैंने पासवर्ड इसके अंदर लगाया है, तो सबसे पहले मैं पासवर्ड को रिमूव करता हूं, देन आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल ये वर्क कैसे करता है। तो गाइस हम क्या करते हैं, यहां से पासवर्ड को हम रिमूव कर देते हैं। पासवर्ड रिमूव करने के लिए सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट वाले फेस वाले ऑप्शन पर जाएंगे जहां से स्क्रीन लॉक है, और इस समय स्क्रीन लॉक को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो लेट अस सी, हम ट्राई कर लेते हैं। इस पासवर्ड को यहां से हटाएंगे और स्वाइप पासवर्ड हम चूज कर लेंगे। कंफर्म कर दिया, अब हमारे पास जो इन फिंगर लॉक है वो कंप्लीटली वर्क करेगा। अभी देखो मैंने पावर को बंद करा, अब ओके कर रहा हूं। अब अगर मैं यहां पर लॉन्ग प्रेस करूं तो ये प्रॉपरली हमारा फोन अनलॉक्ड हो जाएगा। कुछ गाइस ऐसे ही यूज करना है इन फिंगर डिस्प्ले लॉक का, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे यूज करना है इसका। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं प्रॉब्लम इसके अंदर।